पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, काम जो है चल रहा है। तो जाहिर सी बात है पीएम नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ही किया होगा, ठीक है। तो नेशनल एम्बलम कितना लंबा है, 6.5 मीटर। अब इसकी बात कर ले तो इसमें जो है ब्रॉन्ज से बनाया गया है इसको, जिसका वेट जो है 9500 kg इसका वेट हो जाएगा पूरा। अ सपोर्टिंग स्टील स्ट्रक्चर ऑफ 6500 kg वॉज मेड टू सपोर्ट द एम्बलम। अब 6500 kg का स्टील लगा है इसमें ताकि इसको सपोर्ट किया जा सके। ओके, द एम्बलम वॉज क्रिएटेड बाय सुनील देवरे। देखो किसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है, तो सुनील देवरे जो कि औरंगाबाद से आते हैं, और लक्ष्मण व्यास जो कि जयपुर से आते हैं, ये दोनों ने मिलकर जो है इसको क्रिएट किया है एम्बलम को। और बीमल पटेल ऑफ HCP डिजाइंस अहमदाबाद इज द आर्किटेक्ट इन चार्ज ऑफ द बिल्डिंग न्यू पार्लियामेंट। अब जो न्यू पार्लियामेंट है, जो न्यू पार्लियामेंट बना है, उसके आर्किटेक्ट कौन है, तो बीमल पटेल ऑफ HCP डिजाइन अहमदाबाद। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आपको जानना जरूरी है। बिल्डिंग इज बिल्ड बाय टाटा प्रोजेक्ट। तो बिल्डिंग किसके द्वारा बनाई गई है, टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। पढ़ते सबसे हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा स्टेट जो है पहला स्टेट बन गया पूरे कंट्री में जिसके पास 13 एक्सप्रेस वे है। भैया वो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, देखो 13 एक्सप्रेस वे जिसमें से टोटल जो है 13 है, तो 6 जो है ऑपरेशनल है वाइल द रेस्ट आर अंडर कंस्ट्रक्शन, अब बाकी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी, जिसका टोटल लेंथ जो अगर हम बात करें तो 3200 किलोमीटर कवर करेगा। ओके, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट था जाना। अब देखो इसकी बात कर लें कि प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया था, यानी कि 296 किलोमीटर लॉन्ग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है 16 जुलाई को ये इनॉग्रेट किया था। इसका इनॉग्रेशन जो है वो बुंदेलखंड में किया गया था, ठीक है, जो कि किसको कनेक्ट करती है, दिल्ली को कनेक्ट करती है। और एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने और भी एक फाउंडेशन रखा, किसका ना, 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास रखा है इन्होंने। तो याद रखें ये एक्सप्रेस वे जो है डिस्टेंस जो है आपका जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आप जाते हो तो उसको कम करता है। ओके, तो ये जानना जरूरी था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एट द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन नेक्स्ट ईयर। तो जाहिर सी बात है कौन चाइना को भी सरपास कर देगा, ओ माई गॉड, कौन सा कंट्री जो है ऐसा माना गया है, अनुमान लगाया गया है कि जो चाइना को भी सरपास करने वाला है और वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेशन नेशन बन जाएगा अगले साल, यानी 2023 में, है ना, तो इंडिया हो जाएगा हमारा, ठीक है, इंडिया। बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा है कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अब समझ लो। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, 11 जुलाई को, ठीक है। अभी 11 जुलाई जब पढ़ा था तो हमने बताया था आपको 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। ओके, अच्छा ये भी समझो कि जो ये जो यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज करा है उसमें ये बताया कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है फोरकास्ट किया गया है कि 8 बिलियन हो जाएगा, 8 बिलियन हो जाएगा मिड नवंबर 2022 तक, ठीक है, याद रखिएगा 8 बिलियन। चलो आगे बढ़े। अच्छा इंडिया की बात करें, इंडिया का करंट की बात करें तो 1412 मिलियन पॉपुलेशन है इसका, अभी 1400 मिलियन पॉपुलेशन है अभी, ये समझ में आया। और ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो 8 बिलियन हो जाएगा, और 1412 मिलियन है ना, और बिलियन में अंतर है, तो 8 बिलियन टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है और जो इंडिया का है वो है 1412 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। 2050, अगर हम 2050 की बात करें, 2050 तक इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 1668 मिलियन हो जाएगा, 1400 इंक्रीजमेंट देखो जरा, समझे। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन 4th, हु हैज़ वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज एट चंगवान इन साउथ कोरिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन जो है अभी पहला गोल्ड मेडल जीते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो हुआ वर्ल्ड कप स्टेज में, कहाँ पे, चंगवान साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में हुआ ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। तो इंडियन शूटर है अर्जुन बबूता, इन्होंने जो है इसमें जो है अपने नाम करा है गोल्ड मेडल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा अर्जुन बबूता, ठीक है, इंडिया के हैं ये, इंडियन शूटर हैं। तो इनके इन्होंने किसको डिफीट किया है, यूएसए को, यूएसए के लुकास है उनको जो है डिफीट करा इन्होंने, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो 2020 में। ओके, तो इतना जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बैग मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल एट द फाइनल हेल्ड एट यूसू सिटी साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया में जो है यूसू सिटी में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल जो जीता है फिनाले में, वो कौन है, पल्लवी सिंह फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया से है पल्लवी सिंह जी, इनको जो है मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल मिला है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, ये साउथ कोरिया में हुआ था। ये है कहाँ से पल्लवी सिंह, ये कानपुर से आती है, ठीक है, कानपुर से आई है। ये एक ऐसी ओनली कंटेस्टेंट है एशिया से, पूरे एशिया से, जिन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता है और इन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करके, जो मतलब 110 कंट्रीज में से ये एक बनी है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है ये। चलो तो देखो 2021 में इनको जो है अवार्ड भी किया गया था, वुमेन इन एश्योरेंस अवार्ड ऑफ द इंडियन बिजनेस वुमेन सबमिट,
इंडियन वुमेन बिजनेस समिट 2021 जो हुआ था, इसमें भी इनको मतलब अवार्ड किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द अक्षय पत्रा मिड डे मील किचन इन विच सिटी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया अक्षय पत्रा मिड डे मील किचन, किस सिटी में किया है? तो वाराणसी में किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? वाराणसी में। ओके, उत्तर प्रदेश। तो ये जो इसको जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा इन्होंने, किसके साथ कोलैबोरेशन करके? पीएम पोषण स्कीम के साथ, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के साथ मिलके एक किचन बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि 1 लाख चिल्ड्रंस को फीड किया जाएगा, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि ये जो बेसिक एजुकेशन है ना, पॉवर्टी की वजह से वो मिस ना हो उनका। ठीक है, तो ये चीज़ें किया गया है और इतना जानकारी हमें यहाँ से मिलना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कनागनहाली विच वॉज सीन इन न्यूज इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। तो कनंगाली बोल रहा है कि जो है एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है, कहाँ पे अभी देखा गया, न्यूज में था अभी, तो कहाँ पे है ये लोकेटेड? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ये कर्नाटक में जो कनंगाली की बात करें तो ये एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है। किस रिवर की मतलब किस रिवर पे है? तो भीम रिवर। ठीक है, भीमा रिवर पे वह है और कलाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट मतलब कर्नाटक स्टेट की कलाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये एक सनाती साइट है ना, उसका ये पार्ट है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो है इन्होंने ये साइट जो है अपने अंडर में ले लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। 2 सस्पेक्टेड केसेस ऑफ मारबर्ग वायरस हैव बीन रिपोर्टेड बाय विच अफ्रीकन कंट्री? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सस्पेक्टेड केसेस मिले हैं किसके? मारबर्ग वायरस के। किसके? मारबर्ग वायरस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो मारबर्ग वायरस, देखो यहाँ पे गाना जो है अफ्रीकन कंट्री है, तो जो है 2 सस्पेक्ट केस मिले हैं मारबर्ग वायरस का। तो WHO ने ये कहा है कि भाई मारबर्ग वायरस जो है ये मतलब लोगों को मार रहा है गाना में। तो मारबर्ग जो है हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल हेमोफोरिक फीवर है। देखो मारबर्ग जो है हाईली इन्फेक्शन हेमोरिक फीवर है। ठीक है, हेमोरिक फीवर दिमागी बुखार। तो विच बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज इबोला वायरस डिजीज, जैसे कि आपने इबोला सुना होगा ना, उसी बस सेम उसी टाइप से उसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो बहुत ही खतरनाक वायरस है। ठीक है, इसी की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो जा रही है यहाँ पे गाना में। क्वेश्चन नंबर 9। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज ऑर्गेनाइज्ड विच एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल इन न्यू दिल्ली? तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी ऑर्गेनाइज करा था, कौन सा एडिशन? नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ माइंस एंड मिनरल्स का न्यू दिल्ली में किया था। तो भैया 6 एडिशन इन्होंने करा था। ठीक है, 6 एडिशन। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिंपोसियम एक्सिबिशन एट विज्ञान भवन इन दिल्ली? तो अभी किसने जो है इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिंपोसियम और एग्जीबिशन विज्ञान भवन दिल्ली में लॉन्च करा है? तो राजनाथ सिंह जी ने करा है। जो है कौन है ये राजनाथ सिंह जी? तो ये डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। चलो इतना जानकारी यहाँ से मिलती है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 11। एज पर नेशन न्यूज पेपर रिपोर्ट, नोकिया हैज पार्टनर विद विच इंस्टीट्यूशन टू सेटअप नोकिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नेटवर्क रोबोटिक्स? देखो अभी रिसेंट न्यूज पेपर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नोकिया ने अभी पार्टनरशिप करी है किस इंस्टीट्यूशन के साथ, ताकि वो नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा नेटवर्क रोबोटिक्स में। तो अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है उसके साथ ये जो है साझा करा है इन्होंने। ठीक है, पार्टनरशिप करा है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये प्रमोट करेगा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, जिसमें रोबोटिक्स होंगे, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी, 5G होगी, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस होगा, तो ये सब प्रमोट किया जाएगा उसमें। और प्रेजेंट की बात करें तो नोकिया जो है वो कब से यहाँ पे है, 22 साल से है, और सारा ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो नोकिया की बात करें तो बहुत पहले से है, समझ रहे हो, मतलब ये 2G से स्टार्ट हुआ था 2000 में, और 3G पे आया 2011 में, और 4G पे आया 2012 में, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया। तो अभी जो है ये कॉमर्शियल 5G की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हु हैज बीन एक्नॉलेज एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट पास्ट एवर रिसेंटली? देखो अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन जो है इंडियन अनरेस्ट के फादर कहे जाते हैं, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया, तो बृजेंद्र के सिंगल। ठीक है, बृजेंद्र के सिंगल जी को अभी कहा जाता है कि ये जो है ये फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट है। ओके, तो फॉर्मर चेयरमैन है ये किसके? VSNL के, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के। ठीक है, फॉर्मर चेयरमैन, याद रखिएगा। तो ये इनको जो है फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कहा जाता है। तो सिंगल हैज रिटन इट्स मेमोयर, इन्होंने अपना किताब लिखी थी, टेलीकॉम मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन इंडियाज डिजिटल रिवोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 13। द गवर्नमेंट ऑफ जापान हैज कन्फर्म द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड 2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने अभी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड दिया है, किसे दिया है? ठीक है, तो नारायण कुमार सनमार्क ग्रुप के वाइस चेयरमैन है, इनको जो है ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड दिया गया है। ओके, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14। विनीवर्स इज अ मेटावर्स लॉजिकल लॉन्च ऑफ द फॉलोइंग बैंक? क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिवर्स जो है एक मेटावर्स वर्चुअल लॉन्ग है, तो किस बैंक का ये वर्चुअल लॉन्च है क्वेश्चन में कह रहा है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है ये वर्चुअल क्या है? वर्चुअल लॉन्च है।
अच्छा, तो स्टार्टलेट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था ये मेटावर्स बेस्ड वर्चुअल लॉन्च, ठीक है, जहाँ पे होगा क्या कि जो भी इनके प्रोडक्ट्स होंगे ये कस्टमर को वर्चुअली दिखाई देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और ये पहला ऐसा बैंक है तो जिन्होंने जो है वर्चुअली शॉप मतलब लॉन्च करा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। क्वेश्चन 15th, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद एन एम टू एलुमिनेट TB इन इंडिया बाय 2025। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कौन मिनिस्ट्री ने अभी एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर, ताकि इनका एम ये है कि भाई हम टीबी को जो है इंडिया से एलिमिनेट कर दें 2025 तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने करा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कहा है ट्यूबरक्लोसिस को, यानी कि टीबी, हिंदी में देखो नॉर्मली नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम टीबी ही बोलते हैं, टीबी हो गया है, तो इंडिया में 2025 तक कहा गया है कि ये एक टारगेट रखा गया है, तब तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHI एंड महाराष्ट्र मेट्रो हैज अचीव द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल चेकर वायर डक्ट इन नागपुर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डबल डेकर ब्रिज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ताकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट डबल डेकर वाया डक्ट इन नागपुर। तो ये जो लेंथ है डबल डेकर ब्रिज का ये कितना है, तो 3.14 किलोमीटर है। कितना? 3.14 किलोमीटर इसका पूरा क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको इसमें होगा क्या, जो भी लैंड एक्विजिशन हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आता है वो सबको सेव करेंगे, जो ट्रेवल टाइम है सिटी के एयरपोर्ट जाने तक का वो कम किया जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा पहला रेलवे स्टेशन इंडिया का बन गया है जिसमें क्या है रियलिटी स्क्रीन्स देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स में देखने को मिलेंगे आपको, ओके। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ पे, मुंबई में। अब ये पहला रेलवे स्टेशन बन गया है इंडिया का जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स जो है इक्विप्ड हैं, ओके। और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ किया गया है उसे होगा क्या, जो भी पैसेंजर हैं स्टेशन पे तो उनको रियल टाइम डिजिटाइज टाइम टेबल दिखाया जाएगा, डेडिकेटेड स्क्रोलिंग स्क्रीन होंगे, रेलवे इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो इंगेजिंग एक्सपीरियंस के साथ होंगे, और जो पैसेंजर्स हैं वो मतलब अपने जो एनिमल्स हैं विटनेस मैजिक ट्रिक्स हैं स्नोफॉल्स हो रहे हैं है ना, तो वो वर्चुअली इसको फील कर पाएंगे, इमेज मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा चीज़ था यहाँ पर समझने का। क्वेश्चन 18 देखेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर वॉज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ देवघर एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी फाउंडेशन शिलान्यास रखा है देवघर एयरपोर्ट का, किस स्टेट में, ये झारखंड में जो है इसको शिलान्यास रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी बात कर ले झारखंड की, इसका कैपिटल रांची है और यहाँ के CM कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन जी, और गवर्नर यहाँ पर रमेश बैस हैं, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 19, हु विल लीड इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। कह रहा क्वेश्चन में हु विल लीड इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम 2022, तो कौन जो है इंडिया की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम 2022 में को लीड करेगा, तो हरमनप्रीत कौर जी हैं, ठीक है, हरमनप्रीत कौर जी हैं जो है वो, इनका नाम एज ए कैप्टन, और स्मृति मंधाना जो वाइस कैप्टन रहेंगी वो इंडियन वुमेन्स टीम से रहेंगी, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये खेलेंगे 2022 कॉमनवेल्थ गेम, कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बर्मिंघम में होगा ये, ओके। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन 20, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज अ पार्ट ऑफ टाइम चेयरमैन ऑफ करूर वश्य बैंक फॉर 3 years। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव करा है किसका अपॉइंटमेंट, जिसे जो है करूर वैश्य बैंक को क्या जो है चेयरमैन बनाया जाएगा 3 साल के लिए, पार्ट टाइम के लिए रखा गया है पार्ट टाइम चेयरमैन। तो फॉर्मर RBI एग्जीक्यूटिव है मीना हेमचंद्रा, इनको जो है अपॉइंट किया गया एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन 3 साल के लिए, ओके। चलो क्वेश्चन 21, देखो क्वेश्चन 21 को काट दो क्योंकि ये फिर से रिपीट हुआ है। इसमें मेरे को ये बताना था आपको कि जो जापानीज गवर्नमेंट है ना उसने डिसाइड करा है कि जो प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में, जैसे आपको पता है कि इनका एसासिनेशन कर दिया गया है ना सिंजो ऐप का, तो इनको जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जापान यानी सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसैंथेमम पोस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसैंथेमम जो हाईएस्ट ऑर्डर है जापान का, तो इनको जो है ये अवार्ड किया जा रहा है, ओके। क्वेश्चन 22 देखेंगे, पॉफ फेम अ न्यू फ्यूल विच वॉज सीन इन यूज वॉज डेवलप फ्रॉम विच सोर्स। अब पॉफ फेम जो है एक तरीके का फ्यूल है जो कि न्यूज़ में फाउंड मतलब ऐसा फाउंड किया गया न्यूज़ में। देखो पॉफ फेम की बात करें, न्यू तरीके का फ्यूल है जो कि न्यूज़ में अभी देखने को मिला था आपको। पॉफ फेम एक न्यू तरीके का फ्यूल है जो कि न्यूज़ में अभी देखने को मिला था आपको, तो ये डेवलप किया गया है, तो इसका सोर्स क्या है, कहाँ से डेवलप किया गया। देखो बैक्टीरिया से बना ये पॉफ फेम, ठीक है, तो साइंटिस्ट है US लॉरेंस बारकेले लैब से, उन्होंने ये डेवलप करा एक फ्यूल, ठीक है, और ये इन्होंने जो डेवलप करा ये बैक्टीरियम फ्यूल से डेवलप किया है पॉफ फेम से, किस लिए किया है, पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर के लिए। तो ये जो फ्यूल है इसमें एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू है वो 50 MJ लीटर जो है उसे एक्सीड हो सकता है, मतलब जो कि रॉकेट फ्यूल्स होते हैं ना उसमें जो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं हम लोग, उससे भी ज़्यादा है मात्रा उसकी।
तो ये जो फ्यूज़ है, मतलब इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया से, और ये हम प्लांट मैटर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं उसको हम एटमोसफेयर में पुल्ड कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा आगे के लिए। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी दे दें, वो क्वेश्चन ये है कि इन विच स्टेट इज़ द सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है कहाँ पे लोकेटेड है, झारखंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, करंट अफेयर रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।